ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे काल टिकट कन्फर्म बुक IRCTC न्यू अकाउंट से होता है या फिर ओल्ड अकाउंट से, क्योंकि आपने देखे होंगे काफ़ी बार जब भी हम IRCTC के न्यू वेबसाइट से या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तो हमारा IRCTC पेज जो है लॉग आउट हो जाता है, या फिर जब हम पैसेंजर डिटेल फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं हो पाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बात किया जाए, जब भी हम तत्काल टिकट बुक करते हैं तो हमारा IRCTC पेज जो है लॉग आउट हो जाता है, या फिर पैसेंजर डिटेल फिल करने के बाद जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आ जाता है, इसकी वजह से हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC की वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, यदि आप IRCTC की वेबसाइट से करते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले तत्काल टिकट बुक करने से 10-15 मिनट पहले आप लोगों को हिस्ट्री को एक बार डिलीट कर देना है, यानी कि क्लियर कर लेना है। यदि आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक कर रहे हैं तो आप लोगों को सिंपल करना क्या है, नंबर वन में आप लोगों को प्ले स्टोर ओपन करना है, इसके बाद आपको सर्च बार में आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है IRCTC। तो देख सकते हैं यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में हमारा यहाँ पे अपडेट आ चुका है, तो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर लेना है। कई बार हम लोग अपडेट नहीं करते हैं जिसकी वजह से तत्काल टिकट IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से हम लोग कन्फर्म बुक नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग को ऑन कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। तो सिंपल देख सकते हैं ऐप एंड नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आ जाता है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप का ऑप्शन आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर कैच का, सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है और IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करने से पहले आप लोगों को एक बार क्लियर कैच कर लेना है। इसके बावजूद भी IRCTC रेल कनेक्ट ऐप या फिर IRCTC की वेबसाइट से तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम IRCTC पेज लॉग आउट हो जाता है या फिर पैसेंजर डिटेल फिल करने के बाद ट्रांजेक्शन एरर आ जाता है, तो आप लोग यहां पे टिकट ना बुक करके आप लोगों को न्यू अकाउंट क्रिएट करना है और इसके बाद उस अकाउंट से आप लोगों को तत्काल टिकट बुक करना है, जिससे आप लोग काफ़ी हद तक कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।